कौमी क्रिकेट टीम जो रूठी फतह है उसको मनाने के लिए राजीव गांधी स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस करी है। उन्होंने की भी कल। पाकिस्तानी स्पिनर्स अपनी गफलत की जो गहरी नींद है उससे अपनी सोई सलाहियतों को निखारने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वर्ल्ड कप के लिए भारत में मौजूद जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम है आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना दूसरा वार्म अप मैच खेलेगी। गुज़श्ता रोज ही बड़ी भरपूर ट्रेनिंग की टीम ने, सेशन किया खिलाड़ियों ने, नेट प्रैक्टिस की, बॉलिंग बैटिंग और फील्डिंग की भरपूर जो उन्होंने ड्रिल्स की। वाज़ह है कि जी वर्ल्ड कप का पहला मैच 5 अक्टूबर को इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर खेला जाएगा, जबकि कौमी टीम 6 अक्टूबर को नीदरलैंड्स के खिलाफ मद्दे मुकाबल आएगी। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे, हमारे साथ सैयद मोहम्मद अवैस मौजूद है। वैसे असल में तो मदर ऑफ ऑल मैचेस हम पाकिस्तान इंडिया को कहते हैं ना, ये भी वन ऑफ योर काइंड ऑफ मदर ऑफ ऑल मैचेस, इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड फाइनल। आपको याद होगा कितना इतना थ्रिलिंग क्रिकेटिंग मैच मैंने आज तक नहीं देखा। और एक और करेक्शन, उन्होंने कहा वार्मअप मैच, वार्मअप पहला मैच आज है क्योंकि हम वार्म हुए नहीं है पहले मैच के अंदर, तो आज पहला वार्मअप मैच है, पहला प्रैक्टिस मैच है। अच्छा वैसे तो वैसे जी वैसे अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप, ठीक ठाक है? लोग कहते हैं वार्म अप मैच है भाई, क्या आप यहाँ पे तबसरा करना शुरू कर देते हैं, वार्म अप है, हारते जीतते रहते हैं, क्या आप भी ऐसे ही सोचते हैं या नहीं, वार्म अप मैचेस आर इक्वली इंपॉर्टेंट एज द रियल वंस, आई मीन द लीग वंस? ऑब्वियसली इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वहां पर आप कॉम्बिनेशन जो उनसे आप राइट पिक करते हो कि मेरा जो वर्ल्ड कप के लिए जो कॉम्बिनेशन होगा वो कौन सा होगा, इन कंडीशंस में कौन से प्लेयर्स मेरे लिए जो उनसे सूटेबल होंगे। अनफॉर्चुनेट था कि इमरान भी, हम लोग जो एक कुर्सी की लड़ाई के पीछे, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पीछे लगे रहे हैं, जो मामला थे, चेयरमैन चेंज हुआ, ये हुआ, वो हुआ, उसमें शायद हम भूल गए थे कि हम लोगों ने वर्ल्ड कप से पहले या एशिया कप से पहले हमने कोई सीरीज भी रखनी थी। अगर आप दूसरी टीम्स को देखें तो उनकी बायलैटरल सीरीज चल रही थी जहां पर वो अच्छे तरीके से अपने आप को जो सा जेलअप स्क्वाड जो सा उतार रहे थे वर्ल्ड कप के लिए। अगर इस अपना बात करें वार्म अप मैच की, तो थोड़ा सा मुझे भी इस चीज़ में था कि पिछले मैच में आप देखें तो आपकी जो बॉलिंग यूनिट था वो बिल्कुल ही आउट ऑफ कलर नजर आया। आपके स्पिन बॉलिंग यूनिट की आप बात करें, चाहे आपकी पेस पैटर्न की आप बात करें, जरूर आपने कोई दूसरे कॉम्बिनेशन यहाँ पर ट्राई किया था, सलमान को आपने ट्राई किया, शताब खान ने बॉलिंग नहीं करवाई, मैं बड़ा हैरान था उस चीज़ पे कि वो बॉल क्यों नहीं करवा रहे। लेकिन अगर इन विकेट्स की बात करें जहाँ पर आज भी खेला जाना मैच है, पिछला मैच भी खेला था, जो अगले दो मैचेस आपके जो मेन वर्ल्ड कप के खेले जाने, ये रोड विकेट है, यहाँ पर 350 स्कोर भी चेजेबल है, ज्यादा सपोर्ट नहीं होगी बॉलर्स को, तो जो आपके स्पिनर्स हैं खास करके फास्ट बॉलर्स, उनके बड़ा डिपेंडेंसी होगी कि वो किस तरीके से इस विकेट के ऊपर परफॉर्म करते हैं। आज जो मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला जाएगा, देखें पिछले मैच में आपने कुछ चेंजेस की थी, आपने उन बॉलर से बॉलिंग करवाई जो कि आपके प्लान में है कि शायद हम इनको आगे जाके यूज कर सकते हैं अगर हमारे प्राइम फास्ट बॉलर्स अगर परफॉर्म ना कर पाए वगैरह। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का जो मैच है, इसका मतलब कि आपको अपनी जो एग्जैक्ट आपके जेन में है कि मैंने प्लेइंग 11 उतारनी है, उसको आज आप उतारे, क्योंकि बड़ा मैच है। एक अच्छी बात है कि आपको जो दो वार्म अप मैचेस, अच्छा हमारे जो बॉलिंग कोच हैं, मेरा एक बड़ा बेसिक सा कंसर्न है, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं आपकी तरह, मैं हमेशा कहता हूं जब आप जैसे दोस्तों से बात भी होती है तो मैं एज व्यूअर अपनी ओपिनियन देता हूं। हमारे बॉलर्स को एक बेसिक ट्रेनिंग का हिस्सा है कि जी आपको अगर आपकी लेंथ ठीक नहीं है, कप्तान के लिए ये है कि उसको थोड़ी देर चेंज कर लें और किसी और को ले आए ताकि वो थोड़ा सा रिलैक्स होकर वापस आ जाए, और बॉलर के लिए ये है कि अगर आप विकेट नहीं भी ले पा रहे तो कम से कम अपनी लेंथ आप वो रखें कि जिसमें आपको अगला मारे तो ना, आप एक सी क्लास बॉलर तो ना लगे। अब जैसे वसीम जूनियर की हम बात कर रहे हैं, जमान इज कंपेरेटिवली बेटर, और पिछले मैच में हसन अली भी लास्ट ओवर्स में हमें ऐसे ही नजर आए, इतने ऑफ कलर नजर आए कि, और शाहीन शाह अफरीदी वी रिमेंबर एशिया कप के अंदर उनके साथ क्या हुआ कि जब आपको कोई अग्रेसिवली बैटर आगे से प्ले कर रहा है तो आप बजाय इसके कि आप अपनी लाइन लेंथ पर तवज्जो दें, आप और एग्रेशन दिखाते हैं और फिर आपको और मार पड़ती है। तो क्या हमारे बॉलिंग कोच इस हवाले से ट्रेन नहीं कर पा रहे हमारे खिलाड़ियों को, हमारे खिलाड़ी उनको समझ नहीं पा रहे, ये बुनियादी मसला ये क्या है हमारी पेस बैटरी के साथ जो मुसलसल कम से कम पिछले दो टूर्नामेंट्स के साथ तो आ रहा है? अच्छा इमरान भी, इसमें दो चीजें हैं, जब तक खुद कोच नहीं बने थे तो मैं भी कहता था कि कोच की शायद जिम्मेदारी ज्यादा, लेकिन कोच की जिम्मेदारी ग्राउंड के बाहर है, वो एक प्लान आपको देता है, एग्जीक्यूशन प्लान देता है, आपकी वीकनेसेस पे काम करता है। जब आप ग्राउंड के अंदर एंटर होते हो उस वक्त साइकोलॉजिकली आपको बड़ा स्ट्रांग रहना पड़ता है, खास करके आपके फास्ट बॉलर्स को। अगर मैं शहीन शाह अफरीदी से स्टार्ट करूं, देखें आप एक चीज भी रियलाइज करें कि पाकिस्तान ने लिमिटेड ओवर्स बहुत ज्यादा क्रिकेट के लिए एज कम्पेयर टू ओडीआई क्रिकेट, चाहे वो शहीन की बात करें चाहे शदाब खान की बात करें, आपके बॉलर्स क्यों मार खाते हैं, क्योंकि आपने ज्यादा लंबी फॉर्मेट की क्रिकेट नहीं खेली, आप लिमिटेड ओवर्स पे रहते हो कि आपने 4 ओवर निकाल लिए, बस ठीक है मैंने इकोनॉमी रेट अपना मेंटेन कर लिया, एवरेज मेंटेन कर लिया, एक दो खिलाड़ी आउट कर लिए, मेरा कोटा पूरा हो गया।
है, लेकिन जब आप 10 ओवर की क्रिकेट में आते हो आपको रेगुलर इंटरवल्स पे ब्रेक थ्रूज लेके देने पड़ते हैं, आपको इकोनॉमी रेट भी मेंटेन करना पड़ता है। शाहीन शाह अफरीदी को अगर आप उसका देखें, बहुत जबरदस्त फास्ट बॉलर है, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट है, दुनिया उनके बारे में बात करती है, लेकिन थोड़ा सा एक देखें आप, थोड़ी सी एक दूसरी साइड भी आप देखें, शाहीन शाह अफरीदी को जिस वक्त आप देखते हैं बॉलिंग करवाते हुए, अगर दूसरी टीम बड़ा केयरफुली उनको खेलती है, उनको स्विंग नहीं मिलता, उनको स्टार्ट ऑफ दी ओवर्स के अंदर विकेट्स नहीं मिलती, तो शाहीन शाह अफरीदी का पैनिक बटन ऑन होता है। इस चीज को मैंने भी रियलाइज किया, आपने भी रियलाइज किया होगा, वहां पर फिर आपका साइकोलॉजिकल होता है कि मैंने अपने आप से बात करते रहना, कप्तान का काम बनता है कि प्लेयर से बात करना, उसको रिलैक्स करना कि यार अगर सपोर्ट नहीं विकेट से मिल रही तो लेट्स स्टिक टू बेसिक्स, यहाँ पर आपको ज्यादा जो वेरिएशन वाला बॉलर काम आएगा। वसीम जूनियर की जो आपने बात की ना, वसीम जूनियर का मसला ये है कि देखिए ना आपके पास, मैं खुद थोड़ा सा हैरान होता हूँ, मामला ये है कि बैकअप करना है, अपनी टीम है, तनकीद तो ऑब्वियसली होती है, लेकिन यही लड़के हैं जिनको हमने करना है, लेकिन आप ये प्री प्लानिंग करते हो साल पहले वर्ल्ड कप की, आप एक दो प्लानिंग नहीं करते हो। नसीम शाह आज इंजर्ड हुए तो आपके जहन में आ गया, या नसीम इंजर्ड हो गया हम किसको उठा के लेके आए। देखिये जमान खान बहुत जबरदस्त प्रोस्पेक्टिव है, लेकिन लिमिटेड ओवर्स खेला है, ज्यादा ओडीआई क्रिकेट नहीं खेला, वो पिछले मैच में भी आप देखें उसने पहला इंटरनेशनल डेब्यू किया ओडीआई का, लेकिन वर्ल्ड कप का प्रेशर कुछ और होता है, सीरीज का ही एशिया कप का प्रेशर कुछ रोकना पड़ेगा आपको।